हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम से मैं एक सवाल फेस कर रहा हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम में एंड कमेंट सेक्शन में, और वो है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बेस्ट पोस्टर करेक्टर्स फॉर द बेस, उन्हें किस पे फोकस करना चाहिए। तो देर इज़ अलॉट करेक्टर्स जो कि 4 स्टार में अवेलेबल है, दैट्स वाई वो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड अपकमिंग फ्यूचर में भी बहुत सारे करेक्टर्स आने वाले हैं, जिस वजह से वो बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेट है, ताकि कुछ पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट की मैं एक एक यूनिट बताऊंगा, जिस पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका बेस बहुत इजी तरीके से हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये है डेडिकेट 4 स्टार यूनिट्स के बारे में। हर एक एलिमेंट का एक यूनिट मैंने सेलेक्ट किया है सोच समझ के, एंड उसके बारे में बात करूंगा एंड उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को क्यों बिल्ड करना चाहिए और कैसे बिल्ड करना चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल एक 5 स्टार के लिए भी लेके आऊंगा वीडियो, तो मेक श्योर अगर तुम ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि मैं मोटिवेशन से ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं। तो लेट्स जंप इनटू इट एंड टॉक अबाउट विच आर द बेस्ट यूनिट 4 स्टार फॉर स्पाइरल अबिस। तो सबसे पहले बात करते हैं गाया की। तो ये क्रायो यूनिट है, 4 स्टार यूनिट, और ये फ्री में मिलती है गेम की स्टार्टिंग में। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट ये आपको लॉन्ग टर्म तक साथ तो निभाएगा ही, प्लस इसको बिल्ड करना और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। आप इसे ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डैमेज काफी ज्यादा डिसेंट है और जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बेटर है, बट इसके कॉन्स्टलेशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। दैट्स वाई कुछ पीपल चूज करते हैं रोजारिया ओवर काया, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास रोजारिया है और उसके कॉन्स्टलेशन है। अदरवाइज काया इज द गुड चॉइस एंड इज द सेफ चॉइस, इट्स द लॉन्ग टर्म। प्लस उसी के साथ साथ ये मेल्ट एंड बाकी अदर क्रायो रिलेटेड रिएक्शन करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसका मैक्सिमम डैमेज इसकी अल्टीमेट से आता है, बिकॉज ये बार बार एनिमीज को हिट करता है अपनी अल्टीमेट में एंड क्रायो अप्लाई करता है। एंड इसका ड्यूरेशन और बढ़ सकता है अगर आपके पास C2 है। तो बात करते हैं स्किल की। तो स्किल इसका वन टाइम यूज है, एवरी 6 सेकंड्स के बाद आप इसका स्किल इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें क्रायो डैमेज डील करता है। तो दिस यूनिट इज रियली रियली गुड और ये फ्री टू प्ले भी है। तो अगर आपके पास ये यूनिट है तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो। इसकी गाइड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में और इस पे काम कर सकते हो। बट अगर आपके पास रोजारिया है तो आप रोजारिया भी चूज कर सकते हो ओवर काया, क्योंकि इसके कॉन्स्टेशन मिलना ज्यादा ईजी है। प्लस ये अपने पैसिव में टीम के लिए क्रिट रेट प्रोवाइड करती है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है अल्टीमेट, क्योंकि वो एक ही जगह प्लेस होती है, उसके बाद मूव नहीं हो सकती। काया में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अल्टीमेट में, क्योंकि वो यूनिट के साथ ही रहता है, मगर इसकी अल्टीमेट सिर्फ एक जगह प्लेस होती है। बात करूँ दोनों यूनिट की, तो दोनों यूनिट में ज्यादा फर्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक यूनिट बिल्ड कर सकते हो या फिर दोनों बिल्ड कर सकते हो अगर आपको पसंद है। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास काया C2 है तो डेफिनेटली आप काया पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास रोजारिया C2 या C4 है तो डेफिनेटली आप रोजारिया पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक ईजी तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी यूनिट आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी अगर आपको अर्ली स्टेज में मिलता है। तो रोजारिया की भी गाइड वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो लिंक और इसे देख सकते हो। तो ये था 4 स्टार क्रायो यूनिट, जो कि मैं सिर्फ एक ही चूज कर सकता था। बहुत ही कंफ्यूजन था बिटवीन काया एंड रोजारिया, तो ये आप पे डिपेंड करता है। दो जो भी आपको यूनिट ज्यादा अच्छी लगे आप वो कर सकते हो, दोनों अमेजिंग है। अब बात करते हैं पायरो यूनिट की। तो ये शेंगलिंग है, ये सबसे बेस्ट यूनिट है एंड ये आपको बिस से मिलती है। स्पाइरल अबिस चेंबर 3 करने पे, क्लियर करने पे आपको ये वहां से मिलेगी, एंड जैसे मिलेगी आप इसे बिल्ड कर सकते हो। और डेफिनेटली इसके आसपास कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ये 4 स्टार में तो बेस्ट है ही, प्लस कॉन्स्टलेशन के बाद ये 5 स्टार्स को भी काफी ज्यादा हार्ड कंपटीशन देती है। इसको कैसे बिल्ड करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मगर मैं बस उससे बिल्ड करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। ये काफी ज्यादा ब्रोकन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड इट, बिकॉज ये अपने अल्टीमेट में पायरोनेडो में रिएक्शन करती है, क्योंकि उसमें नो ICD है तो आप वेप और मेल्ट कर सकते हो। एंड इसका एनर्जी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसलिए आपको एनर्जी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये काफी अच्छा आउटकम दे सकती है। अगर आपके पास एनर्जी वेपन नहीं है तो आप क्रिट वेपन भी रन कर सकते हो और एनर्जी सैंड्स भी रन कर सकते हो यहाँ पे। बट दिस यूनिट इज रियली अमेजिंग। फ्री टू प्ले में इसका ऑप्शन है, वो है द कैच, जो कि आप फार्म कर सकते हो और इसको दे सकते हो। बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। तो C4 आई रिकमेंड, अगर आपके पास ये C2 है या C1 है तो आप C4 के लिए जरूर ट्राई करें, क्योंकि C4 के बाद इसका जो ड्यूरेशन है अल्टीमेट का वो 40% इंक्रीज होता है एंड C3 में इसका डैमेज इंक्रीज होता है अल्टीमेट का। तो ये दो कॉन्स्टलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल आपका डैमेज इंप्रूव करेंगे। बाकी ये शॉप से भी आती है तो आप शॉप से भी निकाल सकते हो, इवन काया भी शॉप से आता है तो आप काया के भी कॉन्स्टलेशन निकाल सकते हो। C2 इसे कर सकते हो और इसे C4 कर सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी ही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग रीजन यही है, क्योंकि इसके पास नो ICD है तो ये मेल्ट और वेव काफी अच्छी तरीके से करती है, उसके साथ साथ डिसेंट डैमेज देती है एंड मैक्सिमम पोलाम, कोई सा भी पोलाम ये इस्तेमाल कर लेती है। मगर पैरो में एक और यूनिट है जिसका नाम है बैनेट, और वो एक हीलर है और एक अटैक बफर है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। मगर सपोर्ट तब काम आता है जब आपके पास कोई डैमेज डीलर हो, तो ये ऑफ फील्ड डैमेज डीलर है और ये काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट और प्लस हीलर है। तो
तो दैट्स व्हाई मैंने बेनेट को चूज नहीं किया ओवर शेंगलिंग. शेंगलिंग इज द बेस्ट और अर्ली स्टेज में और बेस करने में यही सबसे ज्यादा काम आएगी आपके. और अगर आपके पास दोनों हैं तो डेफिनेटली आप शेंगलिंग के बाद बेनेट को बिल्ड कर सकते हैं, बेनेट के बाद शेंगलिंग को बिल्ड कर सकते हैं. दोनों की गाइड वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. नो डाउट ये दोनों ही यूनिट आपके लॉन्ग टर्म बेस रन में काम आएगी. अब बात करते हैं हाइड्रो यूनिट की, शिनचू की. तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रो यूनिट 4 स्टार एंड इसके पास भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. दैट्स व्हाई ये टॉप करेक्टर है जो कि 4 स्टार हाइड्रो है, क्योंकि अपने स्किल में डैमेज रिडक्शन तो करता ही एनिमी का, प्लस हील भी करता है काफी लिटिल बिट, और अपनी अल्टीमेट में हाइड्रो अप्लाई के साथ साथ डैमेज भी देता है. एंड इसके कॉन्स्टेशन इसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करते हैं. इसको बिल्ड करना काफी ज्यादा ईजी है. शेंगलिंग की तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट है सिर्फ एनर्जी, तो आप एनर्जी वाला कोई भी वेपन लगा सकते हैं. एंड इसके आर्टिफैक्ट्स भी फार्म करना बहुत ही ईजी है. स्ट्रॉन्ग बॉक्स का आप सारा ले सकते हो, 2 सेट बोनस और 4 पीस टैट बोनस भी आप कर सकते हो. इसकी भी गाइड वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो. मैक्सिमम जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इसकी स्किल के लिए, क्योंकि ये डैमेज भी देता है प्लस रिएक्शन करने में भी हेल्प करता है. वेप इलेक्ट्रोचार्ज ट्रीज उन सब में भी इस्तेमाल कर सकते हो अर्ली स्टेजेस में और एंड गेम में भी. प्लस डैमेज रिडक्शन इज द बिग डील, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर वन चॉइस. एंड अल्टीमेट में ये काफी सारा डैमेज देता है, इसकी ड्यूरेशन भी काफी अच्छी है. और जैसे ही आपके पास इसके कॉन्स्टेशन होते हैं C2 में ये हाइड्रो रेस कम करता है, जिस वजह से आपका डैमेज और इम्प्रूव होता है. एंड C6 में अमेजिंग परफॉर्मेंस बीस्ट बन जाता है. तो दिस करेक्टर इज मस्ट बिल्ड इफ यू लैक इन हाइड्रो करेक्टर. और ये भी कभी कभार शॉप में आता है या फिर आप बैनर से पुल कर सकते हो. इसको भी बिल्ड करना काफी ईजी है, तो डेफिनेटली 110% जो कि आपको बिल्ड करनी चाहिए अगर आप एक F2P प्लेयर है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रो करेक्टर की, और उसका नाम है कुकी. इलेक्ट्रो में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. पीडो, फिशल एंड कुकी जो कि 3 यूनिट थी मेरी नजर में, जो कि तीनों वर्थ इट थी, मगर मुझे सिर्फ एक को सिलेक्ट करना था, क्योंकि वीडियो का टाइटल भी यही है और मेरा मोटिव भी यही है कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना करूं. तो मैंने कुकी को सिलेक्ट किया क्योंकि कुकी ये हीलिंग के साथ साथ आपको रिएक्शन में भी हेल्प करेगी, और वो है हाइपरब्लूम. हाइपरब्लूम रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है. आपको डेंड्रो और हाइड्रो चाहिए होता है, बाकी ये काम करेगी, प्लस उसके साथ साथ हील देगी जो कि सर्वाइविंग के लिए बहुत ही जरूरी है बेस के अंदर. कुकी की कॉन्स्टेलेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है, और वो है सिर्फ C2, ताकि इसकी स्किल का ड्यूरेशन रहे अप टू टाइम. और ये स्किल बेस्ड करेक्टर है, अल्टीमेट बेस्ड करेक्टर नहीं है. अगर आप अल्टीमेट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल, क्योंकि स्किल में ही हील करती है और स्किल में ही रिएक्शन करती है. प्लस ये EM और HP दोनों पे हील कर लेती है काफी डिसेंट, एंड इसको बिल्ड करना भी काफी ज्यादा इजी है अगर आप इसे रिएक्शन के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो. दिस यूनिट इज रियली अमेजिंग एंड F2P फ्रेंडली, तो डेफिनेटली इसको बिल्ड करना वर्थ इट होगा, जो कि आपके काम आएगा. अगर आपके पास कुकी के साथ साथ फिशल या बीडो भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको डैमेज चाहिए तो आप बीडो या फिशल का सहारा ले सकते हैं. फिशल इज रियली गुड एंड फ्लेक्सिबल यूनिट. बीडो कुछ कुछ टीम्स में काम नहीं करती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी इश्यूज, बट फिशल काफी बढ़िया यूनिट है डैमेज देने के लिए और एनर्जी जनरेशन करने के लिए फॉर द इलेक्ट्रो करेक्टर, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो. अदरवाइज पहली चॉइस मैं बोलूंगा कुकी. अगर आपके पास कुकी है तो डेफिनेटली कुकी को सबसे पहले बिल्ड करिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा. कुकी को कैसे बिल्ड करना है इसकी गाइड वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन जस्ट चेक आउट. तो अब बात करते हैं एनमो करेक्टर के बारे में. तो एनमो में सिर्फ और सिर्फ है सुक्रोज जो कि मेरी नजर में सबसे टॉप करेक्टर है. इसके कॉन्स्टेलेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है, वो है C1, सिर्फ C1 चाहिए होता है, अदरवाइज C2 बस. उसके बाद अगर और कॉन्स्टेलेशन निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं. एंड इसको बिल्ड करना भी काफी ज्यादा इजी, आप इसे EM और एनर्जी में बिल्ड करेंगे और 4 पीस सेट बोनस के साथ बिल्ड करेंगे. ये आपका ओवरऑल डैमेज इंप्रूव करने में काम आएगी, प्लस इसके साथ साथ ये एनर्जी जनरेशन का भी काम कर सकती है, क्योंकि ये काफी अच्छी पार्टिकल्स जनरेट करती है एनमो के. एंड उसी के साथ साथ कैटलिस्ट यूजर होने की वजह से जो पैसिव है वीरी सेट का, ये उसे भी इजिली ट्रिगर कर सकती है बार बार लगातार. तो ये यूनिट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी स्किल और इसकी अल्टीमेट में थोड़ा बहुत क्राउड कंट्रोल भी हो जाता है. छोटे एनिमीज को ये थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड कर लेती है अपनी तरफ. उसी के साथ साथ सुक्रोज EM भी प्रोवाइड करती है पार्टी मेंबर्स को, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है फॉर द रिएक्शंस. तो दैट्स व्हाई मेरी पहली चॉइस है एनमो करेक्टर में जो कि बेस्ट है फॉर द बेस, और वो है सुक्रोज. तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो, इसे कंसिडर कर सकते हो. ये काफी अच्छा EM देगी, क्राउड कंट्रोल करेगी थोड़ा बहुत, स्वेल करेगी, जिस वजह से आपका डैमेज इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली विद BB सेट. इसकी भी गाइड वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखा है मैंने. अगर आप इसको बिल्ड करना चाहो तो कर सकते हो. अब बात करते हैं डेंड्रो करेक्टर की, तो मैं रिकमेंड करूंगा यायो, क्योंकि यायो काफी ज्यादा बेस्ट है, प्लस हीलर है, प्लस डेंड्रो अप्लाई भी काफी अच्छा करती है अल्टीमेट में और स्किल में. एंड इसका फील्ड टाइम जो है वो भी बहुत ही कम है, प्लस ज्यादा ऑप्शन डेंड्रो हीलर्स में ना होने की वजह से यायो एक प्लस पॉइंट में आती है बिकॉज 4 स्टार में यही अवेलेबल है. तो सबसे ज्यादा सॉलिड रीजन जो है यायो को बिल्ड करने का वो है ब्लूम के लिए, क्योंकि ये एक हीलर है ये डेंड्रो. एंड उसी के साथ साथ अगर आपको एग्रीवेट करना है, क्योंकि इसका हाइड्रो एप्लीकेशन डिसेंट है, स्लो है, तो आराम से आप एग्रीवेट कर सकते हो काफी बढ़िया कंसिस्टेंट, तो उस चीज के लिए भी. और उसी के साथ साथ एज अ टीम में सेकंड डेंड्रो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो डी वुड मेमोरीज के साथ,
तो ये चीजें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो यायो को एज अ सपोर्ट और हीलर के तौर पे, और आप चाहो तो टेनेसिटी भी सेट रन कर सकते हो। इसकी गाइड वीडियो अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। थेंटो कैटेगरी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा याओ याओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू याओ याओ। अब आप सोच रहे हो कि मैंने जियो एलिमेंट को क्यों नहीं पिक किया इस वीडियो में, क्योंकि जियो एलिमेंट एक रॉ डैमेज देता है, उसका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता है, तो दैट्स वाई उसकी प्रायोरिटी बहुत ही कम होती है अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और बेस के अंदर बहुत ही कम इस्तेमाल होता है जियो। मगर आप फिर भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो निंगवांग या नोवेल को, क्योंकि वही दो है कैरेक्टर जो कि डैमेज डीलर है। रही बात गुरो की और युनजिन की, तो ये दो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, तो ये डैमेज डीलर में नहीं आते, ये सपोर्ट में आते हैं, तो इन पे इन्वेस्ट करना डिपेंड करता है कि आपकी कोई टीम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम्हें ऐसी ही वीडियो फाइव स्टार के ऊपर भी चाहिए, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं ऐसी मोटिवेशन से वीडियोस बनाता रहूं। और अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं और हेल्प कर सकूं आप लोगों की। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।